गल दसना चाहते हैं, उन्होंने बेनती करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस गल की राखी करती सी। प्रधानमंत्री जी जिन्हों के कोल 10,000 बंदा सिक्योरिटी लग्या होवे, एड्डी वड्डी BSF सारियां सिक्योरिटियां हुण केंद्र दी एजेंसियां हुण उन्हां दे नेड़े भी नहीं कोई जा सकदा। ये जान बुझ के सारा कुछ है, ये पंजाब नूं बदनाम करने की साजिश रची गई है। पंजाब है जिहड़ा जिन्हें एड्डियां कुर्बानियां दित्तियां हुण वह कदे भी इस गल नूं बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि पंजाब के लोग है जिहड़े नरेंद्र मोदी जी तो बहुत नाराज चल रहे हैं। इस गल का उन्होंने पता सी, पर फिर भी उन्होंने जान बुझ के जिहड़े दूजियां स्टेटां जिथे इलैक्शन हो रहा उत्थे सिमटी लैण दी खातर, चाहे वह UP होवे, उत्तराखंड होवे, गोवा, ये सारा काम करिया, जो कि असी कांग्रेस पार्टी जिला कांग्रेस कमेटी शहीद भगत सिंह नगर नवांशहर इस गल दी सख्त शब्दों के निघेती करती है। मैं हुण बेनती करा सत्कारयोग साडे MLA साहिबान, ठीक है जी, नहीं जिहड़ा वो है केंद्र की अज एक एजेंसी गृह मंत्रालय जिहड़ा उत्थे आया वह अणपछाते व्यक्तियों ने जिन्होंने किसी ने उन्होंने कहा गया जी ये खराब करने की कोशिश की गई, वह जिमीदार नहीं सी, उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, आइडेंटिफिकेशन हो के सारा कुछ बाद फिलहाल परचा दर्ज किया गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन होने तो बाद ही अगला प्रोसैस जिहड़ा वो चलूगा। चलिए मिल साहब बहुत ही सत्कारयोग अज दे इस शॉर्ट नोटिस ते पहुंचे मेरे पत्रकार वीरों, साडे बहुत ही सत्कारयोग पंजाब कांग्रेस के जनरल सकत्तर राणा कुलदीप सिंह जी, जिले के प्रधान सोनू भाटिया जी, साडे मार्केट कमेटी चेयरमैन चमन सिंह भानमजारा जी, साडे नवांशहर देहाती दे प्रधान जोगिंदर सिंह बघौरा जी, शहर तो प्रधान जयदीप जांगड़ा जी, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर कमल जी, रजिंदर शर्मा जी वर्किंग प्रेसिडेंट जिले के, ट्रक यूनियन के प्रधान अजीत सिंह सोता जी, बिक्की जी साडे जिला परिषद मैंबर, सिद्धू जी, सरबजीत जी ते साडे वीरा जी, सारी समूह कांग्रेस पार्टी की अज जिले की लीडरशिप 71 हुई है। और जो पिछले 2 दिन पहला बठिंडे विच एक जिहड़ा अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट होया सी, उस संबंध में अज आप इत्थे 71 होए हां। देश दे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिन्हां दा फिरोजपुर विच BJP दी एक रैली दा दौरा सीगा, उह सूबे विच आए सी और काफ़ी लंबे समय तो बाद 1 साल किसानी अंदोलन चलिया, अंदोलन जब हम साल बाद मुके उस तो बाद उन्हां दा पहला दौरा सीगा। और मैं समझदा कि जिहड़ा भी काम जिहड़ा इंसीडेंट होया वह मनभागी गल है, क्योंकि देश दा प्रधानमंत्री होवे कोई भी इंसान होवे भावें किसी जिहड़ी मर्जी पार्टी दा होवे, जो एक प्रधानमंत्री दा सत्कार आ वह साडे सारयां दे मन विच है, दिल विच, और वह हमेशा रहूगा। पर उस इंसीडेंट तो बाद जो होया, जिस तरीके नाल BJP दी स्टेट लीडरशिप और नैशनल लीडरशिप जिस तरीके नाल लोगों नूं अज गुमराह करते पे आ कि उन्हां दी कोई जान नूं खतरा सीगा या फिर ये जान बूझ के जिहड़ा काम है कांग्रेस पार्टी या चरणजीत सिंह चन्नी जी ने जिहड़ा कराया, मैं समझदा बहुत ज़्यादा मनभागी गल आ। मैं समझदा कि यह कांग्रेस पार्टी नूं बदनाम नहीं, चन्नी साहब नूं बदनाम नहीं, बल्कि पंजाब दे लोकां नूं बदनाम करन दा जिहड़ा BJP काम कर रही है, और इन्हां वास्ते कोई नवी गल नहीं। जद किसानी संघर्ष चल रहा सीगा उस समय भी इन्हां दे सीनियर लीडर सबाना ते जद बयान पढ़ी दे सीगे अखबारां च तां मन दुखी होंदा सी, जद उन्हां चों कई लोग यह गल करदे सी कि ये तां किसान नहीं, ये तां खालिस्तानी है जी, ये तां जी गलत अंसर है। मतलब बड़ी दुख वाली गल आ कि ये गल्लां सानूं पिछले लंबे समय तो 1 साल तो वध समय तो जिहड़ी सुणन नूं मिल रही, पर जिहड़ा हुण काम होया तां बिल्कुल ही मैं समझदा बहुत ज़्यादा मतलब माड़ी गल आ। और
मैं ये समझदा कि देखो देश का प्रधानमंत्री एक सूबे का मुख्यमंत्री अपने आप च एक बहुत बड़ी ताकत होंगी, पर देश का प्रधानमंत्री वह भी हिंदुस्तान वर्गे मुल्क च जिहड़ा इन्ना सुपर पावर है वर्ल्ड की अज के समय च यूएन का इनवाइटी स्पैशल इनवाइटी है हिंदुस्तान एक पावरफुल मुल्कों चो एक मुल्क का प्रधानमंत्री अपने देश में पंजाब में आ रहा हो सेंटर गवर्नमेंट दियां जिन्नियां भी एजेंसियां भावें आई बी होवे भावें थोड़ी बाकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज होन जिथे चलो ये कोई कमी पंजाब गवर्नमेंट च या पंजाब पुलिस च लभ रहे हैं, पर सवाल ये बड़ा पैदा होंदा कि सेंट्रल एजेंसीज की कर रही सी। सेंट्रल एजेंसीज अज देश के दे प्रधानमंत्री की सुरक्षा नू आप नहीं सामभ पा रही, तो यदा जोड़ा ब्लेम है वह पंजाब सरकार दे और पंजाब पुलिस के सिर पर मल्या जा रहा। मैं समझदा जिथे पंजाबियों नू ये बदनाम कर रहे और डीमोरलाइज कर रहे पंजाब पुलिस के फोर्स नू भी जोड़ा डीमोरलाइज बहुत ज़्यादा कर रहे। पंजाब पुलिस एक यहोजी पुलिस है जिन्होंने इस सूबे नू उस काले दौर चो बाहर कढ़िया सी, उस समय नू भुलाया नहीं जा सकता जे समय चो पंजाब निकल के गया। और अज ये बीजेपी की जिहड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट है दोबारा कोशिश कर रही है कि पंजाब दोबारा उस काले दौर दे विच जावे। मैं समझदा कि पंजाब दे लोग हुण बहुत सियाने आ, वह इस गल नू चंगी तरह समझदे और इस गल नू समझदे होए वो जिहड़ी बीजेपी की रैली सी जिहड़ी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने उत्थे जिहड़ा इंतजाम किया होया सीगा 70,000 कुर्सियां लाइया गई सी और जिस तरीके नाल उत्थे बंदा नहीं एकत्र होया अपने आप च सबूत है कि पंजाब दे लोग अज इन्हां तो बहुत ज़्यादा पिछे हट चुके ने, बीजेपी तो पिछे हट चुके ने। और जो 700 किसानां ने पिछले एक साल च अपनी कुरबानी दित्ती वख-वख बॉर्डरां ते बह के, वो लोग अज भी भुलण लई तैयार नहीं। और मैं समझदा कि इस गल दा ही इन्हां नूं डर सी कि सानू जिहड़ा पंडाल विच जाके खाली कुर्सियां दा सामना करना पवेगा जिहदे करके ये जिहड़ी सारी साजिश है वह रची गई है। और मैं ये भी पूछना चाहता, देखो अज के समय च अच टेक्नोलॉजी का दौर सानू पता होंदा अपने मोबाइल विच कि कल मीह पैना या नहीं पैना, कल दा छड्डो हफ्ते की खबर थानू दस सकते, दुनिया के किहड़े शहर विच की मौसम है ये दस्या जा सकता, अजकल मोबाइल च सारा कुछ आ जाता। इंडियन मैट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिहड़ा IMD है जिहड़ा कि डायरैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर से, कि उन्हां नूं नहीं पता सी कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी पंजाब विच आ रहे हैं कि उस दिन मीह नहीं पैना? जे उन्हां नूं पता सी कि मीह पैना तो सेंट्रल गवर्नमेंट वल्लों जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम सेगा रूट प्लैन सेगा उन्हूं पहला ही वह बाय रोड लैके चलते। दूजी बड़ी गल कि प्रधानमंत्री पिछले समय यह देखने को मिलिया कि जब देश कोविड के दौर चो गुजर रहा सी, सेंटर गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट ने देश के दे हेल्थ केयर विच पहल देनी ठीक नहीं समझी, बाकी जेडे लोग जेडी इंडस्ट्री डुबरी सी कोविड नाल जेडी अफेक्टेड सी उन्हां नू होर राहत देनी ठीक नहीं समझी, पर जिहड़ा 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से उन्हूं पहल देनी इन्होंने जरूरी समझी। और कल्ला वो नहीं, जिहड़ा प्रधानमंत्री साहब ने अपने वास्ते जिहड़ा 6,000 करोड़ का जहाज खरीदया, ये तो रिकॉर्ड की गल आ, उस जहाज बैठ के वह बठिंडे चाहे जिहड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और प्रधानमंत्री के कोल जिहड़े हैलीकॉप्टर आ और जहाज है कि वह बरसात में नहीं उड़ सकते सी? इन्ने हजारां करोड़ां रुपए के जिहड़े जहाज रखे फिरदे आ, मैं समझदा कि बहुत बड़ी साजिश है पंजाबियों नूं, पंजाब सरकार नूं, पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं और पंजाब पुलिस नूं बदनाम करन वास्ते। और मैं समझदा
कि ये डेमोक्रेसी का गला घुटना चाहते हैं और पंजाब की जिहड़ी लोगों की चुनी हुई सरकार उन्हों धक्के एक राष्ट्रपति राज लाने की इन्हां दी एक बड़ी साजिश है। मैं समझदा कि जिहड़े पंजाबी लोग ने उन्हां नूं शुरू तो संघर्ष करन दी आदत पै चुकी है। इस देश की आजादी की जे आपां हिस्टरी पढ़ीए तां जो योगदान पंजाबियों का रहा वह बाकी देश दे नालों मैं समझदा जिथे बाकी देश का बहुत बड़ा योगदान रहा उत्थे पंजाबियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। और 47 तो बाद पंजाब ने ट्राइफिकेशन देखी, पंजाब सूबे नूं पंजाबी सूबे नूं तीन हिस्सों च तोड़िया गया। उस तो बाद पंजाब ने एक काला दौर देखा जिहड़ा आतंकवाद का दौर सी। सो पंजाब नूं इह सारी चीज़ां का सामना करन दी आदत है। पंजाब दे लोग बहुत संघर्ष वाले लोग है और ये जिन्ना मर्जी धक्का कर लैन जिन्ना मर्जी सानू बदनाम कर लैन पंजाबी अपनी लड़ाई लड़नी जानदा और लोगों नू अपनी जिहड़ी उह सच्चाई है हकीकत आ उह लोगों नू उहनां दे सामने लैके आओगे। अज एक वीडियो भी सामने आई है, मैं हुणे आप देखी कि प्रधानमंत्री जी दा जिथे गड्डी ब्रिज ते खड़ी सी उत्थे बीजेपी दे वर्कर नारेबाजी कर रहे सी। मैं सवाल ये पूछना चाहता कि अज इन्ना बड़ा जिहड़ा पंजाब नूं बदनाम करिया जा रहा कि देश दे प्रधानमंत्री नूं उन्हां दे अपने बीजेपी वर्करां तों खतरा सीगा। ये भी अपने आप च एक बहुत बड़ा सवाल आ और ये सवालों का भी जवाब जिते पंजाब सरकार की जिम्मेवारी बनती है जवाब देना उत्थे किते ना किते सेंटर गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुंदा कि उन्हां दी सेंट्रल एजेंसियां और उन्हां दी जिहड़ी PM की सिक्योरिटी दे जिहड़ी SPG सी उन्हां दा इहदे विच की रोल सीगा। सो मैं ज़्यादा लंबा ना जाते हुए सिर्फ इन्ना कहना चाहूँगा कि पंजाब दे जिहड़े लोग किसी का भला तो जरूर कर सकते हैं पर किसी बारे माड़ा नहीं हो सोच सकते, भावें जिन्ना मर्जी दुश्मन होवे। पंजाबियों के दिल बहुत बड़े आ और मैं समझदा कि ये ड्यूटी बनती है साड़ी कि कोई भी बंदा होवे भावें देश के प्रधानमंत्री होन भावें किसी होर पोलिटिकल पार्टी के लीडर होन हर एक बंदे को इस डेमोक्रेसी विच राइट आ वो अपना आ जिथे मर्जी जान जिथे मर्जी अपने विचार रखन। और मैं समझदा कि मोदी साहब नूं भी उस रैली ते जिहड़ा पहुँचना चाहिए सी और अपने अखी देख दे खाली कुर्सियां देख के कि पंजाब दे लोकां दे मन विच किन्ना रोस आ और शायद उन्हां दे मन विच इह गल आंदी कि मैं जिहड़ा एक साल किसानी संघर्ष वेले चुप रहा मैं एक लफ्ज़ नहीं मूँह चो कढ़िया, शायद मैं मूँह चो कोई लफ्ज़ कढ़िया हुंदा तां अज मैनूं खाली कुर्सियां दा सामना ना करना पैंदा। ये मेरे मन की इच्छा सी कि उत्थे जरूर पहुँचदे पर जो भी होया यह निंदा योग है पर इहदे विच कल्ला पंजाब पुलिस या पंजाब सरकार नूं बदनाम नहीं किया जा सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट ते एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुंदा और उन्हां नूं इह गल्लां दी सफाई आने वाले समय च देनी पऊगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है जी, होर कोई गलबात? कोई इन्हूं एक बार कट के फिर दोबारा शुरू कर लियो ना। हाँ मैं तय करें, ये बंद करके दोबारा शुरू कर लिया तुम।